हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल बनारसी ब्लॉगर पूजा। तो यहाँ पे ये उठ गया है और ये लड़ रहा है, कुछ बातें कर रहा है। एक्चुअली ये ना तोड़ दिया था, रात को एक खेल रहा था। मैं जन्माष्टमी पे इसको ले आई थी सजाने के लिए, चिड़िया था, पेड़ था, उस पर दो चिड़िया बैठी थी, पर ये देख लिया। अब इसको चाहिए था, मेरे से तो नहीं मांगते, मेरे दोनों बच्चे डरते हैं, पर अपने पापा से मांगते तुरंत देते हैं। तो मेरे से बोल रहा है मम्मा टूट गया, जबकि रात को ही तोड़ा था, तो सो गया था। फिर सुबह उठा, फिर देख रहा टूट गया। मैं डांट रही हूँ, हम बोले तुमसे ही टूटा है और किससे टूटा है। तो वही हमको मतलब मस्का लगा रहा है, हाँ मम्मा बोल रहा है। तो बस हो गई मॉर्निंग में इसकी शैतानी स्टार्ट हो गया है। रात को करता है शैतानी, सोता है, फिर सुबह मतलब इसका स्टार्ट हो जाता है। और मैं क्या ही बताऊँ, इसकी कितनी बुराई करूँ कम है मेरे लिए। तो चलिए देखते रहिए मेरे साथ इसकी शैतानीपन और इसका नटखटपन। भाई बहन का सुबह का हो गया मॉर्निंग स्टार्ट। और तो बस कैसा लगा इसका बताइएगा, मेरे दोनों बच्चे कैसे लग रहे हैं बताइए दोनों की। ये दो पता है स्कूल जाती तो बहुत शांति रहता है, क्योंकि ये भी शांत अच्छे से रहता है, घर पे रहती है तो भाई इतना हमारा पता है, मेरा बड़ा सर दुख जाता है। हम कहते हैं संडे मंडे हमेशा तुम्हारा स्कूल खुला रहे, सही रहे। तो फ्रेंड आज आप लोग के साथ में अपनी मायके की रेसिपी शेयर करी। आप लोग सोचेंगे क्या मायके, क्या ससुराल। एक्चुअली ना मैं नगदावा बना रही हूँ, हमारे इधर नगदावा बोलते हैं, आप लोग यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है। तो यह चने की दाल है और इसमें मैं कुमड़ा डालूंगी, कद्दू जिसको बोलते हैं, सीताफल बोलते हैं, जहाँ जैसा बोला जाता होगा, हमारे यहाँ इसको कुमड़ा बोलते हैं और कद्दू। तो हमने चने की दाल में डाल दिया, कुमड़ा डाल दिया, इसमें हल्दी और नमक डाल के मैं सीटी लाऊंगी। मैं जब पहले मैं इसको नहीं खाती थी, मतलब नगदाव सुन के अजीब सी फील लगती थी, पर अभी जैसे होता नहीं, जैसे मेच्योरिटी आती है, आप खुद पेरेंट्स बनते हैं, हर एक चीज़ जैसे एक होता है एज के हिसाब से, तो चीज़ें आपको अपने आप सब चीज़ें अच्छी लगने लगती है। जब तक आप टीन एज में रहो भैया को सब नखरे रहते हैं, तो हम नहीं पहले खाते थे पर अब अच्छी लग रहे हैं। और चलो मेरा एक तरफ से दाल पक रहा है नगदावा, दूसरी तरफ मैं सब्जी कद्दू की ही सब्जी बनाऊंगी। एक्चुअली ना एक किलो ला दिए थे, कितना मैं खपाऊँ, एक पाव सब्जी बहुत है हम दोनों लोग के लिए। तो बस यहाँ कद्दू की सब्जी बन रही है, तो हमने सबसे पहले लहसुन डाला इसमें और राई डाली हूँ और जीरा डाल के मैं इसमें छौंक लगाऊंगी। और बस आज कद्दू की भी सब्जी बन रही है, साथ में करी पत्ता, लाल मिर्च, क्योंकि करी पत्ता मुझे बहुत पसंद है, हर जगह डालती हूँ करी पत्ता, चाहे किस में डाला जाना मुझे बहुत पसंद है। तो था घर में, हम इसको भी यूज कर लेते हैं। तो चलिए करी पत्ते के साथ मेरी बन रही कद्दू की सब्जी और कद्दू की दाल। किसको किसको ये सब्जी पसंद है बताइएगा। और वैसे आप कद्दू की सब्जी उबाल के भी बना सकते हैं, प्याज टमाटर बहुत सारी चीज़ें डाल के भी बना सकते हैं, पर अभी हम सूखे टाइप के ऐसे ही बना रही हूँ। हमके यूज़ कर ले, बहुत दिन से हो गया था, 4-5 दिन से। एक किलो भैया बहुत होता है, क्योंकि वैसे ज़्यादा कोई पसंद नहीं करता है, पूड़ियों के साथ बहुत अच्छा लगता है कद्दू की सब्ज़ी। तो चलिए अब इसके बाद जैसे ही थोड़ा सा पक जाएगा तो मैं इसमें हल्दी पाउडर डालूँगी और धनिया पाउडर, मसाले जितने सब डालूँगी थोड़े थोड़े करके। और तो बस बने रहिए, देखते रहिए कैसा लगी आपका, मतलब कैसा लग रहा है आप लोग को आज की रेसिपी, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। अपना ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। आज मैं सब बताया जो मैं मसाला वाली बर्नी उसको धोने के लिए, इसीलिए मैं सब थोड़े थोड़े बचे तो सब ऐसे ही डाल दे रहे बिना मेजरमेंट का, मतलब स्पून के बिना। तो चलिए मेरी सब्ज़ी आप लोग से बात करते हुए, तो पक भी गई है और दूसरी शायद मेरे अभी दूसरी भी सब्ज़ी मुझे बनानी है, मतलब दो सब्ज़ी बनाना है। एक अब बनाऊंगी मैं अरबी की सब्ज़ी, जिसको घुइयां बोलते हैं, घुइयां की सब्ज़ी। तो यहाँ मैंने सरसों का तेल लिया और इसमें मैं डालूंगी अजवाइन डालूंगी, थोड़ी सी मतलब कि हींग वगैरह जो होता है, तो यह अजवाइन है। ये पता है अरबी की सब्ज़ी ना आप अजवाइन के साथ ही बना डालो तो वही बनता है, बहुत लोग जीरा भी डालते हैं पर मैं अजवाइन डालती हूँ। इसमें लाल खड़ी मिर्च डाल दी हूँ मैं और मैं इसमें अरबी के डाल दूँगी जो घुइयां है। मेरी बेटी को इतना पसंद है कि मैं क्या ही बताऊँ, उसके पापा और मेरी बेटी को, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं, मैं नहीं खाती। तो बस इसमें अरबी को उबाल के मैं रख दी थी, इसको पता है एक ही सीटी आप लाइए तो ही पकता है। तो बस ये थोड़ा सा मतलब हो जाएगा, पक जाएगा, लाल हल्का हल्का आ जाएगा। तो इसमें हम सब मसाले डालेंगे, वही प्रोसेस जो मसाले होते हैं, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी सब्ज़ी मसाला, और इसमें अमचूर ज़रूर डालिएगा यार, सब्जी में सारी गर्म मसाला डालेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये सब चीज़ें मैं पैकेट से ही डाल रही हूँ, क्योंकि मसालेदानी जो है मेरा धोने के लिए निकाल दी हूँ। तो बस अमचूर ज़रूर डालिएगा, क्योंकि खट्टेपन से ना थोड़ा अच्छा लगता है, मैं डालती हूँ, मुझे पसंद है अमचूर डाल के खाना। इसमें तेल भी बहुत लगता है, तेल ज़्यादा डालिएगा नहीं सूखा सूखा अजीब सा लगेगा। तो हो गया मेरे बच्चों के, मेरे बच्चे उनके पापा की सब्ज़ी पा रहे और मेरा कद्दू की सब्ज़ी बन गई। तो इधर दूसरी साइड मेरी सब दाल गल गया है दाल गल गई,
तो यहाँ मेरा दाल गल गया है। अब इसमें मैं जा रही हूँ लगाने छौंका, और इसमें आप छौंका लगाइएगा लहसुन और बड़ी से, तो ही टेस्ट आएगा, नहीं तो नहीं टेस्ट आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ मेरे मसाले रेडी हैं, ये है बड़ी है और ये लाल मिर्च है, ये लहसुन है और ये करी पत्ता और जीरा। तो हमने यहाँ छौंका जो है छौंकने वाला रख दी हूँ। इसमें सरसों का तेल, और सरसों का तेल ही यूज़ किया करिए, रिफाइन बिल्कुल मत यूज करिए किसी भी सब्ज़ी में, उसका टेस्ट अलग ही आता है। होता है जो बहुत लोग खाते हैं वो यूज कर लें, पर हम लोग शुरू से सरसों का तेल ही यूज किए हैं। तो बस सबसे पहले तेल में लहसुन डालिए, फिर उसके बाद थोड़ा सा पक जाए, लहसुन लाल हो जाए, तब इसमें जीरा मिर्च बाकी जो है मसाले तो डालिएगा। तो अभी बड़ी भी डाल दिए, हींग भी डाल, हींग का तो और ज़्यादा छौंका लगाइएगा, टेस्टी एकदम लगेगा। तो बन गई मेरी नकदा और मेरी दाल लौकी की सब्ज़ी। तो कैसी लग रही है आज की मेरी रेसिपी बताइएगा आप लोग, और कौन कौन ये सब्ज़ी पसंद कर रहा है मेरा। तो ऐसे ही मन कर दिया हम कि आज बना दे भाई सब चीज़ें, तो अच्छा रहता है ना थाली सजी सजी दिखती है। तो अब मुझे बनाना बहुत पसंद है, पहले नहीं मैं सब कट पर, अब ये होता है कि आ क्या नई नई चीज़ें बनाती रहूँ, अच्छी लगती है। तो चलिए मेरा कितना अच्छा छौंका लग जाएगा आप लोग देखिएगा। बस फ्रेंड आज मेरी लंच की थाली लग गई, अब मैं जा रही हूँ खाने के लिए। हस्बैंड जी मेरे खा के चले गए ऑफिस, अब मैं जा रही हूँ खाने के लिए। तो ये मेरी दोनों सब्जी में थोड़ा थोड़ा ले ली, चावल है, ये अचार है, ये रोटी है घी से लथपथ है रोटी, और ये दाल है मेरा। तो बस हो गया, तो अच्छा खाना खाने के बाद अच्छी नींद भी आ गई थी। तो अभी शाम का टाइम है, तो हम दोनों बच्चों को लेके आ गए टहलाने। अभी पता है क्या है, मेरा बेटा वेद, इसको एक दो बार मैं टहला दी, रोज़ जैसे शाम होगा ना, मम्मा पार्क, बाप रे इतना सर दुखाता है कि मैं क्या ही बताऊँ। और पता है इतना रोया था, मैं 4:30 बजे पार्क में आ गई और कोई नहीं था सिर्फ बंदरों के सिवा। तो भाई मैं कहीं थोड़ा देर टहलते हैं फिर खेल के हम लोग चले जाते, क्योंकि मैं थक जाती हूँ गर्मी में। तो अच्छा कोई नहीं था, खूब अपना मतलब अच्छे से खूब मेरे दोनों बच्चे खेले, कोई नहीं था। तो हो गया, बच्चों को थोड़ा टहलाना चाहिए। तो अभी डेली पार्क, मम्मा पार्क, जैसे शाम को होगा ना मम्मा पार्क, ये बोलते जाओ टहला दो घर में, क्योंकि यार एक बार टहला दो रोज़ रोज़ किसकी तो आदत हो जा रही है। तो यही है, दोनों बच्चों को लेके आ गए पार्क, और मेरा वीडियो का यही एंड होगा। अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, प्यार दीजिएगा, मिलती हूँ मैं आगे आप लोग को। पार्क में घुमाने बहुत दिन से नहीं आ रही थी, 10 दिन से, तो ऐसे घर में बोर हो रही थी मैम कि क्या करें क्या करें। तो हमें तो जाना था कहीं और, पर हो गया, प्लान बन गया यहीं पार्क तक ही, ऑटो मिल ही नहीं रहा था कोई, हमको जाना था 10 बजे में। अभी टाइम भी बहुत है, चलेंगे, हमको गंगा आरती देखना था, मेरी बेटी का बहुत मन कर रहा था, तो उनके चलो थोड़ा पार्क में टहला लें लोग को। और अभी पार्क में कोई नहीं आया, क्योंकि अभी 4:30 बज रहा है, तो सिर्फ बंदरों का झुंड दिख रहा है, इसीलिए हम लोग भाग रहे हैं। और यहाँ आके वेद एकदम खुश हो जाता है, मेरे हाथ ही नहीं आता, चप्पल जूता सब निकाल के फेंक देता है। तो बस इन लोगों को टहला के अगर टाइम हुआ तो जाएंगे आरती देखने, नहीं तो फिर घर निकल लेंगे।
चलिए देखिए आगे क्या।